हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्ट्रीट चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज हल करना सीखेंगे। तो पहले हम सूत्र के माध्यम से साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट टर्म के माध्यम से साधारण ब्याज निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, 1440 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें हमें साधारण ब्याज बताना है। तो दोस्तों, इसमें मूलधन कितना दिया है, तो हमारा मूलधन दिया है इसमें 1440 रुपये। और दर दर कितना दिया है, तो दर दिया है 8%। और समय कितना दिया है इसमें, तो समय दिया है इसमें 3 वर्ष। और हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय और बट्टे में 100। ये हमारा इसका सूत्र होता है। तो दोस्तों, हमारा मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है हमारा 1440 रुपये। तो जहां मूलधन लिखा है वहां हम 1440 रुपये लिख देंगे। तो यहां 1440 गुणा दर कितना दिया है, तो दर दिया है हमारा 8%। तो यहां 8, समय कितना दिया है, तो समय दिया 3, और बट्टे में 100 की 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, तो यह क्या बचा है, 144, 8 3 24, बट्टे 10। 144 और 24 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3456 आएगा, बट्टे 10। इसमें हमें 10 से भाग लगाना है, तुम्हारी संख्या क्या है, 3456। 10 में कितनी जीरो है, 1 0, तो पीछे से हम एक संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 345.6 हमारा क्या है, ब्याज निकल के आया है। तो दोस्तों, ये हमारा आंसर है, उसने हमसे ब्याज ही पूछा था तो हमने ब्याज निकाल दिया। अब दोस्तों, इसको हम शॉर्ट टर्म के माध्यम से निकालेंगे। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया है, 1440 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में दर कितना दिया है, 8%। तो यहाँ लिखें दर बराबर 8%। तो 8% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8% की बट्टी में 100, इसको 4 से भाग देंगे तो 2 बाज जा रहा है, इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 25 बाज जा रहा है। तो ये हमारी नई संख्या क्या आई है, 2/25। तो दोस्तों, जो हमारी नीचे की संख्या होती है वो हमारा मूलधन होता है। और जो ऊपर की संख्या होती है वो हमारा ब्याज होता है। तो हमारे 25 रुपए पर हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 2 रुपए ब्याज मिल रहा है। ये हमारा 1 वर्ष का डेटा होता है। तो 1 वर्ष में हमें 25 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है, 2 रुपए मिल रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 3 वर्षों का ब्याज निकालना है हमें। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, 3 वर्षों का ब्याज निकालना है हमें। तो यहां लिखेंगे 3 वर्षों के लिए ब्याज, 3 वर्षों के लिए ब्याज। जब हमारा 1 वर्ष में 2 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 2 × 3 = 6 रुपये।
तुम्हारा मूलधन कितना है? तुम्हारा मूलधन 25। और मिश्र धन, तो जब हमारा मूलधन 25 है तो हमारा मिश्र धन कितना होगा? तो हमें 3 वर्षों में कितना ब्याज मिल रहा है? 6 रुपये। तो 25 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 31 रुपये हमारा क्या रहेगा? मिश्र धन रहेगा। तो यहाँ हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 6 रुपये मिल रहा है। और हमारे क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया है? 1440 रुपये दिया है। तो यहाँ 1440 और यहाँ मूलधन कितना है? 25। और हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 6। तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? 345.6 हमारा क्या है? ब्याज निकल के आया है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है 54,000 रुपये का 11 सही 1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो इसमें हमारा मूलधन कितना दिया है? तो मूलधन हमारा 54,000 रुपये। दर कितना दिया है? तुम्हारी दर है 11 सही 1/9%। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 11 × 9 से करें तो 99, 99 एक जोड़ेंगे तो 100, तो 100/9 और परसेंट की बट्टे में 100, तो 100 से 100 कट जाएगी तो क्या आएगा? 1/9 आएगा। और समय कितना दिया है? तो समय दिया है 3 वर्ष 2 माह, तो 3 वर्ष दिया है और प्लस में क्या है? 2 माह। तो महीने को हम वर्ष में चेंज करेंगे, तो वर्ष में चेंज करने के लिए महीने में हम 12 का भाग देंगे, तो 2/12, तो 2 × 1 = 2, 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 6 बार। तो यहाँ कितना आएगा? 3 + 1/6। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 सही 1/6, तो 36 18 18 में एक जोड़ेंगे तो 19, तो समय कितना आएगा हमारा? 19/6 वर्ष। तो साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे में 100। तो हमारा मूलधन कितना है? तो मूलधन हमारा 54,000 रुपये और यहाँ दर कितना है हमारा? तो दर हमारा 1/9 और समय कितना है? तो समय हमारा 19/6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 9 × 6 हम 6 से करेंगे तो 54 का भाग हम 54 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 1 बार। तो यहाँ कितना आएगा? 1000। 1000 × 19 हम 19 से करेंगे तो कितना आएगा? 19,000। तो दोस्तों ये हमारा ब्याज निकल के आया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।